तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और हाल जानते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों का। देहरादून की नारी निकेतन में चल रही कुप्रबंधन और कथित दुराचार के मामले में सीएम हरीश रावत ने कहा है कि सरकार जांच करा रही है, रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। देहरादून का नारी निकेतन विवाद नहीं थम रहा है, गुमनाम पत्र के जरिए मिली शिकायत पर डीएम ने एडीएम को जांच का जिम्मा सौंपा, लेकिन समाजसेवियों के हंगामे के चलते एडीएम ने भी बीच में ही जांच छोड़ दी है। दून में कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन में उत्तराखंड पंचायत विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। नैनीताल के कैलाखान के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई, गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। हरिद्वार में 2016 में लगने जा रहे अर्धकुंभ मेले की तैयारी को देखते हुए फोर लेन का कार्य तेजी से चल रहा है। हरिद्वार के सिंह द्वार से शंकराचार्य चौक तक कंस्ट्रक्शन एरा कंपनी द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। रुद्रपुर गल्ला मंडी की सुशीला तिवारी बाजार की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से लाखों का माल यहां पर तबाह हो गया, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हल्द्वानी में शुक्रवार देर रात बाल कैदी रोशनदान का ग्रिल तोड़कर फरार हो गया, जिसके चलते कुमाऊं रेंज की डीआईजी ने बासदार गृह का निरीक्षण किया। रुद्रपुर के जिला चिकित्सालय सभागार में डीएम अक्षत गुप्ता ने चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली, कहा कि हम जिला अस्पताल को मॉडर्न अस्पताल बनाना चाहते हैं। काशीपुर में एसएसपी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही मौके पर उसका निस्तारण भी किया। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में जिला पंचायत की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, इस बैठक में विभागीय विकास कार्यों की समीक्षा की गई। रुद्रपुर कलेक्ट्रेट पर किच्छा के ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया, लोगों की मांग है कि महिला ग्राम प्रधान से मारपीट कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दून में सिटी बस यूनियन ने नई पहल करते हुए राजधानी की सिटी बस में जाल लगाकर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी है। घंटाघर पर पहली ऐसी खास बस को रवाना किया गया जिससे महिलाओं में खासा उत्साह था। उत्तराखंड में लुप्त होती जा रही ऐपण कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए नैनीताल में स्कूली छात्राओं के बीच ऐपण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी को भी इस कला के बारे में जानकारी मिल पाएगी। मसूरी जिला प्रशासन की तरफ से मसूरी विंटर कार्निवल के तहत महास्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का उत्तराखंड के पारंपरिक ढोल दमोह के थाप पर आगाज हुआ। राज्य के खेल एवं वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी माइक्रो हाइड्रल परियोजनाओं और सोलर एनर्जी पर जोर दिया है। श्रीनगर में 330 मेगावाट की अलकनंदा जल विद्युत परियोजना शहर के लिए खतरा बनी हुई है, इस परियोजना की नहर से लगातार रिसाव हो रहा है। पिथौरागढ़ में मानदेय और राजकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर आशा वर्कर का आंदोलन तेज हो गया है। चकराता में एक और दलित परिवार के मंदिर में प्रवेश पर आपत्ति जताई गई है, आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर में प्रवेश को लेकर पीड़ित पर आर्थिक दंड लगाया है। रुड़की में आईएसआईएस के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रैली निकालकर अपना विरोध जताया, मुसलमानों ने आईएस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। हल्द्वानी की गौला नदी में 2 महीने बाद अवैध खनन शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ अवैध खनन अब भी नहीं रुका है। लालकुआं में रात के अंधेरे में खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई तबाही को देखते हुए रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान अलर्ट है, आने वाले समय में होने वाले ऐसे नुकसान से राज्य को कैसे बचाया जाए इस पर चर्चा की गई। हल्द्वानी में राज्य सरकार द्वारा खोला गया इंदिरा अम्मा भोजनालय व्यापारियों की पहली पसंद बनता जा रहा है, बाहर से आने वाले व्यापारी यहां स्वच्छ और सस्ता भोजन ले रहे हैं। अल्मोड़ा में सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में चाय के बागानों को विकसित करने की पहल शुरू की है, इसके लिए अब तक राज्य में 1600 हेक्टेयर में चाय के बागान लगाए गए और अब 16000 हेक्टेयर में इन्हें लगाने की योजना है। कालाडूंगी कोटा बाग के जंगलों से सटे क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलड़ी में स्थापित हॉट मिक्स प्लांट पर्यावरणीय मानकों की धज्जियां उड़ा रहा है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर तिलड़ी में आरजी बिल्डर्स कंपनी का हॉट मिक्स प्लांट चल रहा है।